how to fix OnePlus Note CE sleep timer not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिगराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में स्लीप टाइमर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पे स्लीप टाइमर काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका स्लीप टाइमर, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल जो है स्लीप नहीं हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको शो करके बताऊँगा कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो जाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑफ ही नहीं होते, स्क्रीन बंद नहीं होते। तो आप दोस्तों उसके लिए वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे स्लीप टाइमर का, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो आप पहले तो मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जाइए सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले पर जाके एक बार दोबारा से सेट करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 50 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो भी आप चाहे वो सेट कीजिए और वेट करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों सिस्टम पर जाइए, डेवलपर ऑप्शन को डिसेबल कीजिए, ठीक है। अगर आपने इनेबल कर रखा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद दोबारा से चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। बाई एनी चांस इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करें। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, पावर ऑफ के स्विच को 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है। ओके करते ही मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट होगा एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्लीप टाइमर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाई एनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी तो जाइए सेटिंग, सिस्टम पर क्लिक कीजिए और मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, ठीक है। जैसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा दोस्तों आपका प्रॉब्लम वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने OnePlus के डिवाइस में स्लीप टाइमर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैटिंग।